और मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, किसकी रिएक्शन, मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्राइड, क्या फॉर्म करेगा, मेटल हाइड्राइड। जैसे कि सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ, आपको पता है ना एटोमिसिटी, पता है एटोमिसिटी, बोलो भैया, मॉलिक्यूल, एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मतलब, ये बहुत बेसिक बात है, एटोमिसिटी एक नया पॉइंट है, याद रखो, ये जो स्टेट बोर्ड में जो पढ़े हैं उनको पता नहीं होता है, तो एटोमिसिटी है सीबीएसई वाले को अच्छी तरह से पता। चलो एटोमिसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, ओ टू, तो उसमें मोनो एटॉमिक, डाय एटॉमिक, ट्राय एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, मतलब देखो ऑक्सीजन लिखा है जी, ये मेटल जब लिखेंगे हम कोई रिएक्शन में तो सिर्फ के लिखेंगे क्योंकि मोनो एटॉमिक है, सोडियम कैल्शियम सभी मेटल्स क्या है, मोनो एटॉमिक है। लेकिन कुछ नॉन मेटल है, जैसे कि ऑक्सीजन अगर लिखना है तो हम के प्लस ओ ऐसा नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखना पड़ता है हमें, ओ टू। ओके समझ में आ गया, O2 हाइड्रोजन लिखना है तो H2, सिंगल अगर लिखना है तो, हाँ मतलब सिंगल मॉलिक्यूल लिखना है तो, और कौन है, Cl2, ओके I2, F2, N2, सिंगल सिंगल अगर मॉलिक्यूल लिखना है तो ये कैसे, डाय एटोमिक, सभी मेटल कैसे है, मोनो एटोमिक। ट्रा एटोमिक के लिए कौन आएगा, ओजोन, समझ में आएगा। टेट्रा के लिए फॉस्फरस, ओके, और पॉली के लिए एसेट, सल्फर का मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो याद रहेगा एटोमिसिटी, इसलिए हाइड्रोजन कभी भी कैसे लिखना है, क्या मिलेगा हमको, NaH, सोडियम हाइड्राइड हमें मिलेगा, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ क्या मिलेगा, उसका सॉल्ट मिलेगा, मेटल की रिएक्शन अगर होती है, और देन दिस हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करता है मेटल तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। यहां तो कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट, क्या बात कर रहे थे आप, कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, ठीक है। अभी करते हैं, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी सेम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और एसिड के साथ। नॉन मेटल के नाम बताओ कुछ, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये हैलोजन को भूलना नहीं कभी, ठीक है। चलो अगर अब इन तीनों के साथ, जैसे हमने अभी मेटल के देखे, सेम फॉर द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल If react with oxygen, it will give non-metal oxide. Okay? It will give non-metal oxide. Non-metal oxides are acidic or basic? Yes. What will happen with red litmus paper? I confuse you. What will happen with red litmus paper? It will remain red. There will be no change.
what will happen with blue litmus? It will become red. Okay, so यही बोला मैं कि प्रैक्टिकल बेस्ट क्वेश्चन होते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते जो पहले पूछा था मैंने इसके साथ. ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम कार्बन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो व्हाट विल वी गेट? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन किस में होता है? जो बर्न करते हैं हम सभी, जो हाँ कार्बन कहाँ होता है हम पढ़ने वाले, फिर भी एवरी लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कार्बन. ओके, तो क्या है? ऑल प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन सब्सटेंसेस कंटेन दिस कार्बन. समझे? सभी सजीव जो है उनमें होता है कार्बन. तो अगर हमने कोई भी चीज बर्न की, कोई भी कोयला, कार्बन किसमें होता है? कोल. कोल को हमने बर्न किया तो क्या मिलेगा हमको? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन इफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, व्हाट विल वी गेट? जैसे कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें अल्कली मिल जाता है. ओके, और विच इज बेसिक इन नेचर. तो वैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? एज इट इज लाइम वाटर. लाइम मतलब क्या होता है? उसमें क्या कंटेंट, मेन कंटेंट कैल्शियम. बात, कभी आपने ये दीवार को कलर किया है चूना का, चूना मारा है, वो होता है लाइम वाटर. चूना मतलब समझते ना, तो उसको बोलते हैं क्विक लाइम. अगर पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसको ही बोलते हैं स्लैक लाइम. याद, नाम याद है कि नहीं? क्विक लाइम मतलब ड्राई कार्बन का कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसमें कहाँ पे आ गया हो? ये कार्बन की बात हो रही है तो बनेगा, ये एसिडिक है तो क्या बनेगा? बेस है तो क्या बन रहा है? अल्कली बन रहा है, बेसिक बन रहा है. एसिड है तो क्या बनेगा? एसिडिक है तो एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड. क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड. सुना है? चलो, अगर सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? SO2. बराबर कि नहीं? सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? अगर SO2 अगर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? H2SO3, सल्फरस एसिड मिलेगा. क्या मिलेगा? वैसे ही फॉर नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो नाइट्रस एसिड, नॉट ऑक्साइड, एसिड. तो आपने ये एसिडिक रेन सुना है? एसिडिक रेन तो यही कार्बन जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? जब कार्बोनिक एसिड बनाता है, सल्फर सल्फरस एसिड बनता है. बना, समझ में आ गया? और ये अगर एयर में ज़्यादा हो गया और उसी टाइम में अगर रेन होता है तो वो रेन कैसा कहलाता है? एसिडिक रेन. एसिडिक रेन जिससे हमारे मॉन्यूमेंट्स भी क्या हो रहे? खराब हो रहे. पता है ना ताजमहल को ब्लैक स्पॉट आ रहे, तो ये रीज़न है. चलो, हमको ये पढ़ना था, यहाँ तक समझ में आ गया. अगर समझो ये कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन हाई है, एयर का ऑक्सीजन लेते तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन अगर लेस ऑक्सीजन में अगर ये करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज हार्मफुल टू अस. जैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, इट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन. क्या, किससे रिएक्ट करता है? हीमोग्लोबिन से रिएक्ट होता है एंड इट विल डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड दैट्स व्हाई वी, इफ सपोज वी इनहेल इट, विल गेट, मतलब इट इज हार्मफुल टू अस. तो जो भी लोग मरते हैं सफोकेशन से तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. कहीं आग लगती है तो वहाँ ऑक्सीजन कम होता है और वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है. वो इनहेल करने के कारण
याद रखना वो ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये याद रखना बच्चों, ये न्यूट्रल है, कैसा है ये ऑक्साइड, कैसा है न्यूट्रल है, ये थोड़ा सा अलग है तो याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है, न्यूट्रल, ना एसिडिक नहीं है, तो ठीक है। चलो सेम फॉर हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या मिलेगा, वाटर, क्या मिलेगा। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, नॉन मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब पानी के साथ, आई मीन वाटर, व्हाट विल हैपन इफ वी रिएक्ट नॉन मेटल विद वाटर, दिमाग लगाओ। समझो कोयला आपने पानी में डाल, डिजॉल्व होता है, नॉन मेटल पानी के साथ डिजॉल्व होगा, ब्लैक कलर फॉर्म हो जाएगा। नहीं है ना, इसकी रिएक्शन होती नहीं, नो रिएक्शन, मतलब नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, समझ में आया। अब क्यों, तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन जो होता है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं, मतलब हाइड्रोजन जो है वो ये फॉर्म नहीं करवाता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होता है, बराबर है। हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन आयन्स के साथ रिएक्ट होना पड़ता है, तो ये होता नहीं है, ओके। हाँ, ये रिड्यूस नहीं होता है हाइड्रोजन, उसके कारण वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। सेम फॉर द एसिड, एसिड के साथ भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन ओके, हो गया, फिर ऑक्सीजन के साथ तो हमने देख लिया, वाटर के साथ नो रिएक्शन और एसिड के साथ भी नो, कोई डाउट है। हमने मेटल की भी रिएक्शन देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और नॉन मेटल की भी देखी। मेटल की किसके साथ देखी, ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड एंड मेटल सॉल्यूशन के साथ भी देखा है ना, मेटल सॉल्यूशन जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कहते हैं, ओके। हाँ, अभी देखते हैं ये यूज ऑफ मेटल्स, ओके। मेटल की यूज तो सबको पता है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या है वो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज टू द मेकिंग वायर टू कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाई दीज मेटल्स आर यूज इन मेकिंग वायर इन इलेक्ट्रिक करंट, यस हाई मेल्टिंग पॉइंट, डक्टाइल है, दे आर गुड कंडक्टर्स, ओके। दीज आर द प्रॉपर्टीज विच मेक देम दिस यूज, ओके। आयरन कॉपर एल्यूमिनियम आर मेटल ऑल्सो यूज टू मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, वाई, मेलेबिलिटी है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। एक क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में भी क्यों, मतलब ऐसा क्यों होता है, साइंस का यही होता है कि क्यों, साइंस पढ़ना होता है तो उसका यही होता है कि क्यों हो रहा है, ये सब क्वेश्चन हमें पढ़ना है। क्या है एग्जाम्पल, नेक्स्ट लेना बेटा, कहाँ गए, दिख रहा है, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हर्बर्स प्रोसेस। ये हर्बर्स नाम का साइंटिस्ट है, उसकी एक प्रोसेस है, उसमें आयरन को कैटलिस्ट बोल के यूज किया जाता है। कैटलिस्ट, यू नो कैटलिस्ट, किसको पता है कैटलिस्ट, ओके, व्हाट इज मीन बाय कैटलिस्ट, या दीज आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट स्पीड अप द रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड एज कैटलिस्ट, डू यू अंडरस्टैंड, ओके।
देन जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग, ये सबको पता है, प्रिवेंशन ऑफ मेटल करोजन गैल्वेनाइजिंग. क्रोमियम एंड निकेल आर मेटल आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ होती है, आपकी जो टैप होते हैं टैप टैप के ऊपर जो शाइनी ये रहता है ना कवरिंग, वो किसकी रहती है, क्रोमियम की रहती है. नीचे क्या रहता है, आयरन रहता है, उसके ऊपर निकल क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स सबको पता है यूज किया जाता है हमें. देन सिल्वर एंड गोल्ड मेडल आर फॉर ऑर्नामेंट्स. देन लिक्विड मेडल मर्क्यूरी इन थर्मामीटर. सोडियम टिटेनियम जार्कोनियम मेडल्स आर यूज इन द एटोमिक एनर्जी न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी. देन जार्कोनियम मेडल इज यूज इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील. अलॉय पता है, व्हाट आर द अलॉय, क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल, समझ में आया, मेटल और मेटल का मिक्सचर या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ओके, देन इट विल चेंज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट अलॉय. ओके, लीड मेटल इज यूज टू मेकिंग द कार बैटरी, कार में लीड यूज किया जाता है, पता है सबको, ठीक है. देन नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रोजन इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेकिंग द वेजिटेबल घी, पता है आपको, ये वनस्पति डालडा, सुना है आपने डालडा, तो डालडा जो है वो इससे बनता है, उसका हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके डालडा बनाया जाता है, कि कौन चाहिए, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करके बनाते हैं. हाइड्रोजन यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3 बराबर, अमोनिया इसमें फर्टिलाइज में यूज होता है. देन हाइड्रोजन इज यूज लिक्विड हाइड्रोजन यूज इन रॉकेट फ्यूल, ये भी पता होना चाहिए, रॉकेट फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया जाता है. कार्बन तो हमको पता है, इट इज यूज इन मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स, पता है ना, इलेक्ट्रोड्स पता है कहाँ पे होता है, पेंसिल सेल देखा है, पेंसिल सेल में वो जो ब्लैक रॉड होता है दैट इज, देन कार्बन का ये पेंसिल का लीड बनाते हैं ग्रेफाइट, पता है. नाइट्रोजन यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्यों होता है, क्या काम करता है नाइट्रोजन, हम जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं इसमें यूरिया ये डालते कि नहीं, उसमें अमोनिया होता है, तो अमोनिया क्या काम करता है, जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या काम करता है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट. आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन पता है, नहीं पता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पता है, और बायोलॉजिकल दो टाइप के होते हैं. एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जब लाइटनिंग होती है तब होता है, इसलिए जब बारिश गिरती है बारिश के साथ वो नीचे आता है और प्लांट रूट उसका अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्या होता है, देखा हमने बारिश के दिनों क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा होता है. और बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो आज रूट्स जो होते हैं, रूट्स के ऊपर नोडल्स होते हैं, नोडल्स उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, एजोटोबैक्टर वगैरह और भी होते हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन वो एजोटोबैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट यूज नहीं कर सकता है, उसके नाइट्रेट नाइट्रेट्स बना के वो यू अब्जॉर्ब कर लेते. चलो हो गया, तो ये सब बातें हमको यहाँ पे याद रखनी है. क्या क्या देखा हमने, मेटल उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके एक्सेप्शन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, एंड देन यूजेस भी देख लिए. ओके, तो यहाँ तक एक पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है. अब मेटल एंड नॉन मेटल की जो रिएक्शन है उसके बारे में हम सोचेंगे, लेकिन उसके पहले हमको, मैंने जो पहले बोला था आपको कि मेटल जो है या फिर फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है उसके हमको क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर लर्न चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लर्न चाहिए, उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतनी सारी बातें हमको लर्न चाहिए, मिनिमम फर्स्ट 20 एलिमेंट है क्या आपको. चलो ओके, सो मुझे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो, फर्स्ट एटॉमिक नंबर बोलो 2/2.8.2. ओके, तो इस तरीके से बेटा, अब आपने क्या किया, अभी अभी एसपीआर के एग्जाम दे रहे हो, अभी इतना टाइम है क्या आपको वो काउंट करने के लिए,
एक क्वेश्चन के लिए बहुत सारा बहुत कम टाइम रहता है हमको, हमको ये याद होना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, इसको रिसाइट कर लो, जिंदगी भर काम आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है उसको हमको रिसाइट ही करना है प्रॉपरली, एकदम भूलना ही नहीं है। अब कब करते बैठेंगे यार, इसका 12 है फिर 2 8 2, ये करने को टाइम नहीं। मैग्नीशियम उसकी बैलेंस ही 2, एल्यूमिनियम उसकी बैलेंस ही 3, ये हमको ऐसा पता होंगे। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल है तो, मेटल है तो याद रखना 1 2 3, मेटल है तो 1 2 3, नॉन मेटल है तो 4 5 6 7 8, ओके 4 5 6 7 8 याद है क्या? क्यों? क्योंकि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन देना आसान है और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। मेटल, मेटल की बात चल रही, मेटल में क्या आता है 1 2 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा मैं, किसकी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जिसके ऊपर से हम क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो देना आसान है कि नहीं? अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की लेन देन में बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो जो सिंपल बात है वो कर ले, ठीक है। 1 2 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेते इसलिए वो मेटल होते, इसलिए उसके लास्ट शेल में 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो नॉन मेटल है उसमें 4 5 6 7 8, ओके याद रहेगा। चलो तो अगर समझो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, उसकी वैलेंसी कितनी होगी? लास्ट वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी? उसको पूछा है वो आंसर देगी 8। 8 कैसा होगा? वैलेंसी की बात करें, लेन देन की बात करें, कितना देगा कितना लेगा? 3 बराबर है। क्यों? क्योंकि 5 अब याद रखने के लिए, हाँ एक्चुअली वो क्या होता है, एक्चुअली वो होता है कि उसका नियरेस्ट जो नोबेल एलिमेंट रहता है, पीरियोडिक टेबल में देखना है, नियरेस्ट नोबेल एलिमेंट जो रहता है उसके हिसाब से वो अपने अरेंजमेंट करना चाहता है और स्टेबल बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम के साथ है तो हाइड्रोजन डुप्लीट कंप्लीट करेगा, ओके। सोडियम नियॉन के साथ है इसलिए वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, समझे? 10 इलेक्ट्रॉन की जैसे 2 8, समझ में आ रहा है? और जो आयरन के साथ है वो 2 8 8 कंप्लीट कर लेगा, जैसे कि कैल्शियम वगैरह, पोटेशियम कैल्शियम। तो ये तो याद रखना है हमें, तो सिंपल बात बोल दे, बोलूँ क्या? सिंपल बात यही है कि नॉन मेटल में, मेटल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी, और नॉन मेटल में 4 5 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा, 4 है तो 4 लेगा, 5 है तो 3 लेगा, 6 है तो 2 लेगा, 7 है तो 1 लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है गेन कर रहा है दैट इज दैट उसकी वैलेंसी रहेगी, याद रहेगा, ओके। चलो सिंपल बात है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, बहुत सिंपल है वो याद रखो, ठीक है। और इसकी अभी नॉन मेटल और मेटल की हमें क्या करना है, अभी रिएक्शन देखनी है, तो कल देखें, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है। या तो कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी।